मार्गशीर्ष मास जिसे अग्रहण मास भी कहते हैं, जो कार्तिक मास के बाद आता है। आइए जानते हैं कि हम उस विशेष माह में क्या क्या विशेष कार्य कर सकते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि सक्सेना है। आज के वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष माह के विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम ये जानिए कि ये माह किसको समर्पित होता है। ये माह जो है वो विशेषकर विष्णु भगवान और उनके आठवें स्वरूप श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। इसमें माँ लक्ष्मी, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो धरती पे घूमती हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा इस माह में की जाती है। इसलिए श्री कृष्ण, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व इस माह में होता है। इस माह में क्या क्या विशेष कार्य करने चाहिए। सर्वप्रथम संध्या काल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शाम को माँ लक्ष्मी का वास होता है घरों के दरवाजों पे। उसमें आप अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए संध्या काल की पूजा अनिवार्य होती है मार्गशीर्ष माह में। इस माह में कुछ विशेष पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिसमें इन विशेष पुस्तकों का नाम है भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्रनाम। इन पुस्तकों का अध्ययन मार्गशीर्ष माह में अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में आपको जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, अच्छा भोजन करें। मार्गशीर्ष माह में इस माह में तेल की मालिश करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस माह में तेल की मालिश अवश्य करना चाहिए। विष्णु भगवान को आप शंख में कच्चा दूध भर के स्नान कराएं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। माँ लक्ष्मी को जल भर के स्नान कराएं शंख में, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करने से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारा घर का भंडार भरते हैं। इस माह में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उनको समय समय पर भोजन कराएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं। इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा, विशेष सेवा इस माह में करना चाहिए, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी का ही, विष्णु भगवान का ही रूप होते हैं। श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर विष्णु भगवान के जितने भी रूप होते हैं आप उनकी पूजा करें इस माह में, उनका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में, मार्गशीर्ष माह जिसे हम अग्रहण मास भी कहते हैं, वो समर्पित होता है विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के विविध रूपों को। उनकी सेवा करें, उनको पूजन करें। पीले पुष्प का बहुत महत्व होता है, पीले पुष्प अवश्य अर्पित करें। संध्या काल की पूजा का बहुत महत्व होता है, संध्या काल की पूजा अवश्य करें, तो माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी। जय माँ लक्ष्मी।